हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम गेम प्ले करने वाले हैं इंडियन ट्रेन क्रॉसिंग 3D का। आप देख सकते हैं कि मैं रेलवे स्टेशन को क्रॉस करके अभी निकला हुआ हूँ। एंड इंडियन रेलवे के जो जवान होते हैं उसकी ड्यूटी यहाँ पे मेरी लगी हुई थी। तो मुझे अभी कॉल आता है और मुझे बताया गया है कि दो लोकोमोटिव जो कि वैग 7 है वो रेलवे जंक्शन की ओर स्पीड में बढ़ रहे हैं और वहाँ पे उनके ब्रेक फेल हो गए हैं। तो उनके जो लोकोमोटिव के जो लोको पायलट जो हैं उनका बोलना है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हैं, उनके ब्रेक फेल हो गए हैं, तो उन्हें कैसे भी करके रोकना है। तो आप देखते हैं हम कैसे रोकते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो हमें जल्दी से पहले तो हमें वहाँ पहुँचना होगा रेलवे जंक्शन पर, क्योंकि पता नहीं वो किस डायरेक्शन से आएंगे। मुझे रूट भी एक्चुअल में बताया गया था, मुझे रूट भी बताया गया था, मुझे बताया गया है कि वो स्ट्रेट सामने से आएंगे और किस डायरेक्शन में आएंगे, और मुझे प्लेटफॉर्म भी बताया गया कि वो ट्रेन जो थी वो आने वाली थी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। तो हम जल्दी से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ऊपर चढ़ते हैं और यहाँ पे हम इसे ओके और यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे जल्दी से, हम अब उसे ब्रेक तो लगा नहीं सकते उसके, और सिग्नल भी अगर हम चेंज कर भी दें तो भी कोई उसका फ़ायदा हमें है नहीं, क्योंकि एक्चुअल में वो स्पीड में आने वाले हैं और यहाँ पे रुकने से ड्राइव हो। तो हमें बोला गया है कि हमें उसे बिल्कुल आउटर में लेके जाना है और इसे पुल के ऊपर से ले जाना है। मतलब अगर आपने ये गेम खेला हुआ तो आपको पता होगा कि इसमें यहाँ पे जो कि एक पुल है जिसके ऊपर से जाने से पता नहीं कहाँ पे पहुँच जाते हैं, समझ में नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ से हम इसे कर देते हैं स्विच। अब ये यहाँ से होते हुए सीधा इस तरफ मुड़ जाएगा और यहाँ से हमें जल्दी जल्दी करना होगा, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है वो इंजन कब आ जाए। यहाँ पे हमें जल्दी से फास्ट एंड फ्यूरियस तरीके से बिल्कुल यहाँ पे काम करना होगा। और यहाँ पे कर देते हैं हम जल्दी से ट्रैक चेंज करके और आगे चलते हैं, और यहाँ पे और फुर्ती में हमें काम करना होगा। मुझे लग रहा है कि वो दोनों लोकोमोटिव आने वाले हैं बिल्कुल स्पीड में, सुपर फास्ट स्पीड में। तो जल्दी से यहाँ पे भी हमें चेंज करना पड़ेगा, गाड़ी से चलते तो अच्छा रहता यार, क्या करें, गाड़ी तो निकल गई आगे, और इसे भी चेंज करना पड़ेगा हमें, और इसे भी हमने चेंज कर दिया। एंड इसे भी कर देते हैं ओके। ओ माय गॉड, सिट, एक ट्रैक और सिट मैन यार, ओ सिट यार, अगर हमने वहाँ पे उसे भी चेंज कर दिया होता तो फाइनली आज हम इसे बचा सकते थे इन दोनों लोकोमोटिव को, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब तो इसका पूरा बैलेंस ही बिगड़ गया दोनों लोगों को। चलो आगे जाके देखते हैं क्या हुआ इनका, और ओ सिट यार, इसने तो पूरा रेलवे ट्रैक ब्लॉक हो गया, दोनों अलग अलग हो चुके हैं। देखिए आप ओ सिट, एक देखिए, एक तो बिल्कुल सेंटर में जाके बिल्कुल ब्रिज के ऊपर जाके रखा हो गया। अब यहाँ पे कोई अगर ट्रेन आती है तो डेंजरस एक्सीडेंट होने के हाई चांसेस हैं यहाँ पे। आप देखिए वो किस तरीके से यहाँ पे रखा, ओ एक ट्रेन आ भी रही है एक्चुअल में, बाई गॉड आज तो डेंजर एक्सीडेंट होना ही होना है, और वो भी सुपर फास्ट एक्सप्रेस। बिल्कुल आप देखिए सामने से बिल्कुल ट्रेन आ रही है, और ये रहा हमारा लोकोमोटिव जो कि बीच सेंटर में रखा हुआ है। सेट यार, ये तो कबाड़ा हो गया पूरा, देखते हैं क्या होता है अब। ओ सेट, ये आ चुकी है हमारी ट्रेन। फिलहाल स्पीड कम हो चुकी है ट्रेन की, क्योंकि इसे रेलवे जंक्शन पर रुकना है, लेकिन स्पीड तो ठीक है, कम का तो कोई कह नहीं सकते, लेकिन ओ नहीं यार, ये देखो पूरी ट्रेन डीरेल हो गई, पूरी ट्रेन डीरेल्ड हो चुकी है, और यहाँ पे डेंजरस एक्सीडेंट यार, अब तो हमारी जॉब गई खतरे में। अब हम कुछ नहीं कर सकते, और जल्दी से इस पर चलते हैं गाड़ी में और आगे जाके देखते हैं अगर हम ट्रैक को अगर कुछ चेंजेस वगैरह ट्रैक में कर सकें तो जल्दी से हमें जाना होगा। ये यहाँ पे देखिए पूरी तरीके से ये वाला जो रेलवे का ट्रैक है पूरी तरीके से जाम हो चुका है। अब यहाँ से सामने से आने वाली पूरी ट्रेनों को हमें डाइवर्ट करना होगा। सबसे पहले तो इस पटरी पर अगर कोई ट्रेन आती है तो हमें उसे डाइवर्ट करना होगा। आगे देखते हैं, आगे तो हाँ आगे पूरा फ्री है, आगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे जिस ट्रैक पे ये एक्सीडेंट हुआ है उस ट्रैक को पूरा बंद करना होगा जल्दी से। मेंटेनेंस का काम अब हमें शुरू करना पड़ेगा पूरा, और यहाँ पे इसे भी बंद करना पड़ेगा क्योंकि हमने इसे चेंज करके रखा हुआ था। एग्जिट कर जाते हैं इसको और यहाँ से इसे कर देते हैं चेंज। ये देखिए ये रहा परफेक्ट, ये भी परफेक्ट है, ओके नो इशू, ओके। अब एक बार पीछे जाके भी हमें देखना पड़ेगा, यहाँ पे इस वाले ट्रैक को भी हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सामने से अगर कोई ट्रेन आती है तो अगर इस ट्रैक पे आ गई तो दिक्कत हो जाएगी। अब हमें इस ट्रैक को भी साइड में चेंज करना पड़ेगा, तो जल्दी से चलते हैं और इस वाले ट्रैक को भी यहाँ पे जाके चेंज कर देते हैं। ओके, तो ये वाला भी हमने चेंज कर दिया फाइनली। एंटर करते हैं और यहाँ पर देखते हैं अब कोई सामने से ट्रेन तो नहीं आ रही, चलना चल क्यों नहीं रही, वे डीजल ख़त्म हो गया क्या इसका, अगर इसका डीजल ख़त्म हो गया तो मैं तो अब कुछ नहीं कर सकता इसका। और आगे अगर इस वाले ट्रैक पे आती है कोई ट्रेन तो वो हो जाएगी मूव लेफ्ट साइड में,
और अगर सामने से कोई ट्रेन आती है तो वो बिल्कुल सीधी स्ट्रेट निकल जाएगी। क्या है तो दो सेकंड एग्जिट करते हैं और फिलहाल एक बार कंफर्म कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, ये ट्रेन बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाएगी सामने, लेकिन अगर यहाँ से कोई सी ट्रेन आती है तो हमें ट्रैक चेंज करना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पर कोई ट्रेन नहीं है दूर तक, एंड यहाँ पर इसे निकल जाने देते हैं। गाड़ी कहाँ जा रही है, गाड़ी ट्रैक पर नहीं जानी चाहिए, हमारी नहीं खेल हो जाएगा पूरा। नहीं जा रही फिलहाल तो। ये क्या है, ये ट्रेन कहाँ से आ गई? ओ माय गॉड, हो गया एक्सीडेंट। ओके यहाँ पे जाके अब जो पलटेगा, ये देखो, ओ गजब यार, ये देखो खेल ख़त्म है इसका। और यहाँ पे ये शानदार तरीके से यहाँ पे अपनी उत्कृष्ट कोचेस के साथ ट्रेन निकल रही है। उस वाले दो लोकोमोटिव्स को देखते हैं इनका क्या सीन हुआ है यहाँ पे। बुरी तरीके से यहाँ पे खेलो तो नहीं यार, सॉरी फॉर लैगिंग गाइस।